नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं इंडियन आर्मी की भर्ती का इंतजार तो आपके लिए इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, इस समय हमें इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहां पर मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में अपडेट देने के लिए आया हूँ, जिस भर्ती की दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त 2020 यानी कि आज से 22 सितम्बर 2020 के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए मैं कौन सी भर्ती के लिए अपडेट लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों, जो आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये है वो नोटिफिकेशन दोस्तों, यहाँ पर सिपाही डी फार्मा के लिए भर्ती निकली है। उसके बाद में और भी पदों के लिए भर्ती निकली है जो कि मैं आपको नीचे बताऊंगा। सबसे पहले सिपाही डी फार्मा आर्मी मेडिकल कोर, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिपाही डी फार्मा की भर्ती के लिए आपको जो आपकी एज लिमिट होगी वो 19 से 25 साल तक होगी। उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2001 के बीच में होना चाहिए। आपकी जो हाइट है दोस्तों वो 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। उसके बाद में आपके पास में दोस्तों 10+2 आपको पास होना चाहिए, और 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होना जरूरी है। किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके पास में 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, और ओवरऑल परसेंटेज आपकी 50% होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, इसके साथ साथ आपके पास में एक डिप्लोमा भी होना चाहिए जिसका नाम है डी फार्मा, ठीक है। डी फार्मा का जो डिप्लोमा है उसमें आपके पास में 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट बहुत अच्छी दी जा रही है दोस्तों, 19 से 25 साल तक। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको एज लिमिट की जो जरूरत होगी वो 17.5 साल से 23 साल होगी। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, और आपके पास में जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होना जरूरी है। किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, और 12th क्लास में ओवरऑल परसेंटेज आपकी 50% होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, अगर ये जूलॉजी और इंग्लिश, अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके पास में हैं, 5 सब्जेक्ट, तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी वो सेम होगी, टोटल परसेंटेज आपकी 40, मतलब किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपकी जो परसेंटेज है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, और 12th क्लास में ओवरऑल आपकी 50% परसेंटेज होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों, हम आपको बता देते हैं इसके फिजिकल के बारे में। तो जो फिजिकल है दोस्तों वो आपका इस प्रकार है, कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट, ठीक है। तो ये जब आप रैली भर्ती में जाएंगे तो आपकी जो है वो फिजिकल फिटनेस आपसे इस तरह से लिए जाएगा। तो दोस्तों, आर्मी में आपसे सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की रनिंग, बीम, 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस कराया जाता है। 1600 मीटर रनिंग के लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप 5 मिनट 30 सेकंड तक होता है, और सेकंड ग्रुप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी रेस 5 मिनट 30 सेकंड तक पूरी करते हैं तो आपको मिलते हैं दोस्तों 60 मार्क्स, और अगर 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक पूरी करते हैं तो आपको मिलते हैं 48 मार्क्स, ठीक है।
इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके पास में बीम लगाते हैं आप 10, तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 9 बीम में आपको 23 मार्क्स मिलेंगे। 8 बीम में आपको 27, 7 में 21 और 6 बीम अगर आप लगाते हैं तो 16 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप ओनली 6 बीम भी लगाते हैं तो भी आपको इस भर्ती के लिए पास कर दिया जाएगा। उसके बाद में नीट टू क्वालिफिकेशन, नहीं सॉरी, नीट टू क्वालिफाई। तो 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस आपको ओनली नीड टू क्वालिफाई करना होता है। इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा या फिर कोई भी मार्क्स का प्रावधान नहीं है। तो ये होगी फिजिकल फिटनेस। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं और बताऊंगा ये जो भर्ती है वो कौन से स्टेट के लिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 22 सितंबर 2020 से, सॉरी 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों और एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज दोस्तों है 8 अगस्त 2020, मतलब आज से ही इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन में अगर आपके लिए कोई परेशानी आए तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपके लिए बताया है कि आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल से घर बैठे कैसे अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जो भर्ती है वो जोधपुर एआरओ की तरफ से निकाली गई है। तो इसलिए इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रैली नोटिफिकेशन 2020-21, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये भर्ती है दोस्तों, वो है आपकी डूंगारपुर, ठीक है, ये है, सॉरी दोस्तों, डूंगरपुर हो गया, उसके बाद में बांसवाड़ा हो गया, उसके बाद में सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, पाली हो गया, जालौर हो गया, बरमेर हो गया, उसके बाद में जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, नागौर हो गया। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और जोधपुर एआरओ के अंडर में आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स को एक बार मैं और बता देता हूँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर एंड नागपुर। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अगर आप रहने वाले हैं तो आप इन भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की भर्ती। मैं आपको सभी चीजें इस भर्ती से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार। तो दोस्तों अगर आपको चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।